सो आज आ गए हैं अपन एक और न्यू वीडियो के साथ, जो कि विष्णु की न्यू बाइक का वीडियो शूट करना है। और काफ़ी टाइम से बोल रहा था विष्णु के एक सिनेमेटिक वीडियो शूट करते हैं, तो आज है संडे और टाइम मिल चुका है मेरे को। तो मैंने लोकेशन अपने पहले से डिसाइड कर ली थी, तो अभी हम हैं राहुल के स्टोर पर, राहुल डेयरी। मैं इसका एडवर्टाइज नहीं दे रहा हूँ, बट आपसे बोल रहा हूँ अगर आप हाथरस से हैं तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म करते हैं। राहुल भी आ चुका है और विष्णु ने भी काफ़ी लेट कर लिया था, बट विष्णु आ गया और राहुल भी आ गया। तो चलते हैं अपनी लोकेशन पर। जैसे कि मैंने अपनी लोकेशन पूरी तरह सेट की हुई थी, आप जानते हैं कि बड़ी मंडी में काफ़ी खुला एरिया है और वहाँ पर अच्छा वीडियो शूट भी हो जाएगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। तो यहाँ से निकल लिए हम अपनी लोकेशन की तरफ, पूरे रास्ते हम मस्ती करते हुए निकल गए अपनी लोकेशन की ओर। जैसे ही लोकेशन पर अपन पहुंचते हैं, तो मैटर ये करता है कि लोकेशन पहुंचने के बाद हम कौन सी जगह शूट करना है। और वैसे भी आज संडे है, तो मैच वगैरह क्रिकेट कोई ना कोई खेल ही रहा होगा, तो हम अभी ढूंढ रहे थे करेक्ट लोकेशन जहां हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो और खाली हमको रोड मिल जाए, जो कि शूट करने में काफ़ी मज़ा आए क्योंकि मैं फुल वाइब में था। विष्णु भी काफ़ी एक्साइटेड था अपनी बाइक की वीडियो बनवाने में। भाई विष्णु का प्लान तो ये था कि वो इस वीडियो को न्यू ईयर पर डाले, तो मैंने उससे कहा कि जब तक एक और वीडियो क्रिएट कर लेंगे। मतलब भाई ये बंदा 15-20 दिन बाद वीडियो को अपलोड करेगा अपने इंस्टाग्राम पर, इतने दिनों में तो भाई मैं इसकी एक वीडियो और बना दूंगा। लेकिन कोई बात नहीं भाई, इंसान को अपनी मन की करनी चाहिए, वो अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। भाई इस लोकेशन पर पहुंचने के बाद मैं देख रहा था कि एक अपन को स्थान मिले जहां हम शूट कर सके, तो भाई मेरे को देखे कुछ कबूतर, फिर मेरे दिमाग में बत्ती जली कि एक अपन कबूतरों का भी शूट लेंगे। बट यहां पर कुछ ऐसा हाल हो रहा था कि कोई ना कोई कबूतर को भगा जा रहा था, तो हम ठीक से शूट नहीं कर पा रहे थे, उसी की वजह से हमको काफ़ी टाइम लग गया शूट करने में। तो भाई मैं पहुंचने के बाद मैंने निकाला अपना ट्राइपॉड, अगर मैं चाहता तो दूसरी जगह भी शूट कर लेता, बट मुझे लगा कि ऐसा बड़ी मंडी डिजर्व करती है और वहां पर अच्छा भी शूट हो जाएगा, इसलिए मैंने लोगों को पहले से ही सजेशन दे दिया कि वो लोकेशन हमारे लिए काफ़ी बेटर है और वहां पर शूट करने में भी काफ़ी आसानी होगी। बट लोकेशन हाथरस में काफ़ी सारी हैं लेकिन बहुत दूर दूर हैं, तो इसीलिए हम वहाँ पर नहीं गए क्योंकि हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत लेट हो जाते हैं हम, तो इसलिए हमारे शूट नहीं हो पाता। मैंने विष्णु को बताना शुरू कर दिया कि कैसे कैसे तेरे को एक्शन करना है। स्मार्ट लग रहा हूँ ना, अभी शूट चल रहा है। फिर मैं विष्णु को बताने लग गया कि तुझे कैसा करना है कैसा नहीं करना, क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि ये अपने आप से नहीं सोच पाता, क्योंकि मैं अपने घर से ही माइंड में क्रिएट करके लाया था कि शूट कैसे करना है, उसी हिसाब से मैं इसको शूट करवा रहा था। भाई अगर वीडियो आती है ना तो एक बार चेक करना और बताना कि वीडियो कैसे लगी। सो राहुल तो भाई हमारे शूट के फुल मजे ले रहा था, क्योंकि जहाँ वो होता है मज़ा तो आता ही है क्योंकि तीनों जब साथ होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें बैग और हेलमेट होना चाहिए तो वीडियो काफ़ी तगड़ी आती, बट दूसरा पार्ट नहीं बन पाता। अब जब मैं इसका दूसरा पार्ट क्रिएट करूँगा तब इसमें मैं हेलमेट और बैग को ऐड करूँगा, तो भाई वो वीडियो काफ़ी बढ़िया बनेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भी वीडियो काफ़ी अच्छी है, आप देखना और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। बट अभी इसको हम शूट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी तगड़ी बने। तो भाई यहाँ तक तो हमारा शॉट अच्छा चल रहा था और फिर बारी आती है कि गाड़ी पर बैठकर शॉट लेने की, तो उसकी व्यवस्था मैंने कर रखी थी क्योंकि राहुल चला रहा था बाइक और राहुल के पीछे बैठा था मैं ट्राइपॉड को लेकर, और थोड़ा यार डर भी लग रहा था क्योंकि मैं बैठा था क्योंकि मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं था, मैं शॉट ले रहा था, तो इसलिए मैं एक हाथ से शॉट ले रहा था और एक हाथ से मैं पकड़ के बैठ गया जिससे फोन वगैरह या कुछ गिरने का डर ना हो। भाई अब बारी आती है कबूतर वाला शॉट लेने की, बट ये शॉट हमारे लिए काफ़ी टफ था क्योंकि भाई कोई ना कोई बाइक वाला आ जाता था और बाइक वाला नहीं तो कभी डॉगी या फिर कोई ना कोई आ ही जाता, तो उसकी वजह से वो कबूतर उड़ जाते थे। तो मैंने विष्णु को बोला कि तू कबूतर का बैठने का इंतज़ार मत कर, बस यहाँ से बाइक लेकर आ जाए, क्योंकि टीन पर बैठे थे कबूतर और वहाँ से शॉट काफ़ी अच्छा आता। तो ये बंदा जो पीछे से आ रहा है, इससे पहले कि कबूतर को उड़ा दे मैंने इससे बोल दिया विष्णु से कि भाई पहले तू जल्दी आ जा, नहीं तो ये कबूतर को फिर से उड़ा देगा। तो यहाँ से तो हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया, जो बाइक का शॉट लेना था सारे शॉट्स कंप्लीट हो गए। फिर मैंने सोचा कि एक रील बनाई जाए जो कि एक डायलॉग पर हो, विष्णु और मैंने एक रील बनाई। सो ये वीडियोस आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख लेना, और विष्णु की वीडियो आ रही है न्यू ईयर वाले दिन, जो कि आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर। तो मैं इस वीडियो यानी इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कर ले शुगर तू आए कर।